बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैर होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज सूरज निकला है और माशाल्लाह धूप लगी हुई है। सुबह सुबह के टाइम बहुत खूबसूरत धूप लगी हुई है। ये देख लें भाई, सूरज माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और लोगों ने जो गंदम लगाई हुई है माशाल्लाह अपनी, ये देख लें। अभी मैं इस रास्ते से आया हूँ और इधर को मैंने जाना है ड्यूटी के लिए। अभी मैं निकला हूँ घर से, तो माशाल्लाह सूरज आज पूरे जोश खरोश में है। तो भाई काफ़ी दिनों बाद सूरज निकला है, तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले तो ये था कि भाई धुंध ही नहीं थी उतरती, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरज निकला है तो कुछ दिन अब बेहतर रहेंगे। तकरीबन अगर 10 दिन ऐसे धूप लगी ना, तो भाई फिर तो सर्दी बिल्कुल चली जाएगी, फिर मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी चलते हैं टाउन, उधर से करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर हम निकलते हैं जनाब अपनी ड्यूटी की जानब, जो हमारी डेली की रूटीन होती है यही है। तो आज धूप को भी उधर जाके हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। शोरूम पे हैं जनाब और आज होने लगी है शोरूम पे पार्टी। लड़के खुद इंजॉय करने लगे हैं, क्योंकि जब भी कभी दिल करे तो हम सारे लड़के इकट्ठे पैसे डाल के तो शोरूम पे कोई ना कोई प्रोग्राम हम कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये देख लें, गोश्त आ गया जी माशाल्लाह। ये चेक करें, क्या बात है। अभी 2 किलो गोश्त लेके आए हैं, तो भाई ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोश्त लेके आए हैं लड़के। उनको भेजा के भी जाके आप सारे मसाले लेके आओ, उनको मैंने लिख के दे दिए हैं। अभी थोड़ी देर तक आते हैं, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। प्रेशर हम लोगों से मांगेंगे, क्योंकि इधर हमारे पास प्रेशर नहीं है। प्रेशर के बगैर तो ये इतनी जल्दी पकेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ी देर तक प्रेशर भी आ जाता है, लड़के भी आ जाते हैं। सारे मसाले इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो बड़ी मज़ेदार वीडियो होगी आज शोरूम पे, आज हमारी होगी इंशाल्लाह पार्टी। ये जी सामान सारा आ गया, ये देखें घी आ गया, उसके बाद लहसुन। तो ये प्याज नहीं ले गए? प्याज इमरान भी ले गया। इमरान ऐसा मसाला तैयार करना के हमें दे रहे हैं सारे। मसाला रेडी करते हैं, फट से हम बनाते हैं, उसके बाद फिर जुमे के बाद या जुमे से पहले हम खा के फिर जुमा अदा करेंगे। इसीलिए सबसे पहले मिर्चे मतलब सारा कुछ इकट्ठे डाल देते हैं, ताकि कटने वटने का प्रोग्राम खत्म हो जाए। मसाला जब ज्यादा होगा टेस्ट ज्यादा आएगा, इसलिए ग्रेवी हम ज्यादा बनाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह आप सब गोश्त लेके आए, खाने वाला गोश्त कमाल का है। ये हमारे साथ ही सिलेंडर आ गया, प्रेशर हमने मंगवाया है इधर से। तो गोश्त जो है ना बड़ा खूबसूरत गोश्त आप सब लेके हैं माशाल्लाह। अभी भाई हमने सारा कुछ मिक्स कर दिया है, प्याज हरी मिर्च टमाटर गोश्त नमक और दादर मिर्च, ये चेक करें। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम लगाएंगे भाई दम पे, और फिर देखें। आप सब ले गए, आप सब बड़े कमाल का गोश्त ले गए यार, आज कमाल हो गए, यकीन करें खाएंगे से साहब आपको मजा आएगा। अच्छा क्या बात है भाई, लोग रेडी हो गया सारा सामान, इमरान आ गए रोटियां लेके, और ये देख लें इधर सिम साहब भी रेडी हो गए। इमरान आज तबाही लाहर नहीं है, सुबह इमरान खा रहा नाश्ता करके आ जाओ सिम साहब। अच्छा आज भाई ना सीम साहब ने नाश्ता किया ना मैंने किया है। सीम साहब ने मुझे सुबह मैसेज कर दिया था कि आज पार्टी होगी, मैंने कहा चले ठीक है, तो मेरा लोगों को पता ही नहीं था आज मेरा ना आज कसर लगेगी तो भाई बना लिए, अभी आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इंशाल्लाह। ले जी चेक करें माशाल्लाह क्या बात है भाई, आज पूरी ग्रेवी बनी है साथ में, और इमरान को आज हाफ साहब को और इमरान को आज कसर लगेगी, क्योंकि इन्होंने नाश्ता कर लिया है। बोटियां हाथ रखा था साहब की चक्कर। अच्छा सब क्या खा के आए आज? आज मेथरे वाले पराठे खाते हैं, वो खलो नहीं देंगे। चलें जी ये अभी खाते हैं, खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओए होए होए पार्टी हो गई भाई, लेवल की पार्टी हुई हमारी, और बड़ा टेस्टी बना हुआ था गोश्त, इतना मजा के क्या बताए, इतनी खुशी, इतनी खुशी। 1 किलो था गोश्त शायद, तो मैंने खुद बनाया था, लेकिन टेस्ट इतना था कि भाई मसाले जब हम डालते हैं ना तो फिर कमाल का मजा आता है। पार्टी करने के बाद बंदे को सर्दी में बैठा हुआ ये नहीं पता कि ठंड ठंड लग गया सर। और ये हमारे बड़े साहब हैं, इनको गर्मी लगती है, गर्मी लग रही है ऐसी। आज हफ्ता बाजार है और भाई इधर बैठा देगा आप सर्दी में, इधर आज सब तब्दील हो जाएंगे। चले जी चलते हैं बाजार, तो जर्सियां लगी हुई इस दे। ओए होए होए सुबह सुबह भी रेडी हो रहा है बाजार, बाजार लग गया जी सुबह सुबह। ये चक्कर हफ्ता बाजार, तो ये वो सामने बहुत बड़ा बाजार लग गया, ये चेक करते जाए। आप सब कुछ पसंद कर रहे हैं इधर से, सुबह सुबह 50-50 का रेट। आज जो माल है वो ये पुराना ही माल है भाई, नया माल कुछ भी नहीं है इधर। तो उस दिन हम पहले लेके चले गए थे जो शर्टें हमें पसंद आई थी, लेकिन अब जो आ रहा है सारा सीन वो बिल्कुल पुराना नया कुछ भी नहीं है। अभी तक इधर से कुछ नहीं मिला, कोई चीज़ हमें ऐसी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। ये देख लें इस दूसरी साइड पर आए हैं, ये काफ़ी हद तक बाजार लगता है बहुत बड़ा,
और सुबह सुबह के टाइम यही होता है कि कोई अच्छी अच्छी ये शर्टें भी लगी हुई लेकिन इनमें से कोई पसंद नहीं है। ये भी ये सारी ऑफर 20-20, 30-40 रुपए की लगी हुई है। ये बंदा आया हुआ शोरूम पे जिससे हमने मसाज करवाया था, ये देख लें, तो पैसे देने के लिए आया तो कह रहा है कि दोबारा फिर अब सीम साहब को भेजेंगे इससे मसाज करवाएं जाके, क्योंकि बड़ा कमाल का बंदा है यार, बड़े अच्छा सर का जो मसाज है ना उस दिन यकीन करें कि जो नींद आई है ना सदाम उस दिन नींद कमाल की आएगी, नींद बड़े लेवल की आई है भाई उस दिन। तो ये है कि बंदा है, इसका सलून है अपना, तो कटिंग शटिंग कर लेते हैं, उस दिन बीड भी सेम ठीक करवाई थी। खैर वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, कल इंशाल्लाह दोनों के नए ब्लॉग के साथ। अपने बहुत सारी दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी मुझे जाना है भाई खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद फिर हम एडिट करेंगे। अभी जाने लगे हैं भाई चिप्स खाने के लिए जिसे फ्राइज कहते हैं, बड़ा टेस्टी होता है इसका। ये चौंक में लगा बंदा, वैसे कहता है मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, उसके पास चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये जी फ्राइज तैयार हो रही है माशाल्लाह, बड़ा टेस्ट है। ये सामने देखते हैं आपने चिली सॉस पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है चाचे के, दो ड्यू में ले आया हूँ, जो मज़ा आता है चाचे का, हाय 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 कहीं से नहीं आया, पूरे शालकोट से नहीं आया भाई मज़ा। ये देखें जी आगे है जनाब फ्राइज, और इसके अंदर देखें तीन चीज़ें हैं, आपने मुझे बताना है क्या क्या मज़े वाली से। हाय 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 वाह।